बड़वानी जिले के राजपुर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के दो कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बैंक के मैनेजर ने सभी कर्मचारियों के सैंपल लेने के लिए कलेक्टर सहित जोन ऑफिस इंदौर को भी पत्र लिखा है। राजपुर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के दो कर्मचारी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बैंक मैनेजर ने विभिन्न स्थानों पर पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों के सैंपल लेने और रिपोर्ट आने तक शाखा का काम बाधित होने की बात कही है। राजपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 18 पॉजिटिव पाए गए हैं। राजपुर की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के धार में और इंदौर निवासी दो कर्मचारियों के पास एक्टिव मिलने से शाखा में हड़कंप मच गया है। धार निवासी जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया है वह 19 तारीख से छुट्टी पर था और धार में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इंदौर निवासी जो कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है वह 26 तारीख को छुट्टी पर गया था और इंदौर में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। सर क्या नाम है? मंडालाल पटेल। कौन सा पद? सीनियर ब्रांच मैनेजर। कौन सी सर? बैंक ऑफ इंडिया राजपुर शाखा। सर बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए? हाँ। क्या कहूँ, हमारी शाखा में दो स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक स्टाफ सदस्य धार के रहने वाले हैं, वो पिछले 19 तारीख से छुट्टी पर थे और छुट्टी पे गए उसी दौरान वो पॉजिटिव हुए हैं और तभी से वो ऑफिस नहीं आए हैं और धार में ही क्वारंटाइन है। दूसरे जो स्टाफ है वो 25 तारीख को छुट्टी से 26 तारीख को छुट्टी पे यहाँ से गए हैं और इंदौर में उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है, वहाँ वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हमने इस संबंध में जिला कलेक्टर, SDM राजपुर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी, लीज डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया बड़वानी, जोनल ऑफिस इंदौर, सभी को सूचना दे दी गई है कि हमारे यहाँ स्टाफ दो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारे सभी स्टाफ सदस्यों का कोरोना टेस्ट कराया जाए। इस संबंध में BMO राजपुर के द्वारा बताया गया कि कल 30 तारीख को वे हमारा कोरोना टेस्ट स्टाफ का करवाएंगे और जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक शाखा का कारोबार बाधित रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।